ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 14 जुलाई 2019 रविवार का दिन है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस दिन प्रदोष व्रत रहेगा। जो माताएं बहनें या भक्तजन प्रदोष का व्रत करते हैं उनको इस दिन प्रदोष का व्रत करना चाहिए। भगवान शंकर जी की पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है, साथ ही प्रदोष की कथा भी सुनी जाती है। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र वृश्चिक राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशा सूर्य की अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो पान खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि शाम को 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि मिथुन राशि में, चंद्रमा जो कि वृश्चिक राशि में, मंगल ग्रह कर्क राशि में, बुध कर्क राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष मिथुन कर्क सिंह तुला और धनु इन 6 राशि वालों को होगा अचानक धन लाभ। इनके लिए दिन सबसे अति उत्तम रहेगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा ताकि सभी लोग राशिफल देख करके अपने जीवन में उन्नति और प्रगति कर सके और लाभान्वित हो सके। साथ ही आपसे एक अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक जो है कई लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकता है। YouTube के माध्यम से जिस वीडियो के ऊपर अधिक से अधिक लाइक होते हैं वहां उस वीडियो को अधिक से अधिक जो है YouTube के माध्यम से फैलाया जाता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसको अधिक से अधिक लाइक जरूर करें जिससे कई लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आर्थिक मामलों में पहले से थोड़ा सुधार होने का योग है। अधिकारियों की मदद से बड़े काम आप निपटा लेंगे। पार्टनर से सहयोग और प्यार आपको मिलेगा। पार्टनर का मिजाज भी अच्छा रहेगा। आपको कोई अच्छी खबर मिलने का योग है। दिन आपके लिए अच्छा है और फायदेमंद भी रहेगा। कर्ज से मुक्ति पाने में आप सफल हो जाएंगे। आज होगा वही जो आप चाहते हैं। पूरी तरह से किसी काम के परिणाम आपके अनुसार ही मिल जाएंगे। रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। आर्थिक मामलों में थोड़ा सुधार होने का योग है। मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा और उपाय के रूप में शहद खाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके फालतू खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं। बिना सोचे समझे कहीं पर भी आप पैसा न लगाएं। आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हर चुनौती को अलग करते हुए कामकाज में लगे रहने का समय है। दूसरों के मामलों में जरा भी दखल न दे। माता की सेहत में गिरावट और सुख में कमी महसूस होगी। आमदनी में थोड़ी बहुत कमजोरी हो सकती है। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आपको हर तरह से सावधान रहना चाहिए। थोड़ा कन्फ्यूजन बना रहेगा। आज आप जोश में आकर ऐसे वादे कर सकते हैं जो आपको पूरा करने में कठिनाई महसूस होगी। पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। भोजन में सावधानी रखें और उपाय के रूप में यदि कच्चा दूध शंकर जी के मंदिर में आप चढ़ाएंगे तो आपका दिन अतिशुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। नौकरी में पदोन्नति और ट्रांसफर के अवसर या संकेत आपको मिल सकते हैं। नए लोगों से दोस्ती होगी। कामकाज में आपका मन लगेगा। दिन अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक है। आज आपको पूरे उत्साह और लगन से काम करना चाहिए। संतान से सुख और कोई अच्छी खबर मिलने का योग है। आज आपको कोई ऐसा समाचार मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। किसी जरूरी काम से आपको यात्रा करनी पड़ेगी। घर परिवार निजी और पेशेवर जिंदगी से जुड़े खास काम आपको करने पड़ेंगे। कोई नया संबंध शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। अचानक किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने का योग है। सेहत भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी और उपाय के रूप में गाय को यदि आप मसूर की दाल और गुड़ खिलाएंगे तो आपका दिन अतिशुभ फलदायी सिद्ध होगा।
अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क क्षेत्र में आपके कामों की तारीफ होगी। नया काम शुरू करने का आप मन बना सकते हैं। आप दिमाग के बजाय दिल से व्यवहार करेंगे। पार्टनर से सहयोग और खुशियां मिलेगी और नए मौके आज आपको मिलने वाले हैं। मकान खरीदने के लिए दिन अच्छा है। विवाह संबंधी मामले आपके सामने आ सकते हैं। आप लाभ के मामले में भाग्यशाली रहेंगे। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। आपके कामकाज की तारीफ होगी। परिवार के सभी जो उलझे हुए मामले हैं वह भी निपट जाएंगे। मन प्रसन्न रहेगा। कोई नई योजना आपके सामने आ सकती है जो आपको मौजूदा काम की तुलना में ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। और उपाय के रूप में यदि नहाने के पानी में काले तिल डाल करके उससे नहाएंगे तो आपका दिन अति शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। कामकाज थोड़ा अधिक रहेगा। बिजनेस यदि आप करते हैं तो वहां पर रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। कारोबार के सिलसिले में या पारिवारिक रूप से आपको यात्रा करनी पड़ेगी। करियर में आज आपको कुछ नए मौके मिल सकते हैं। हिम्मत के साथ परिवार का सहयोग भी मिलेगा। अधूरा काम पूरा हो जाएगा। भविष्य के बारे में बहुत बारीकी से आप विचार करेंगे। ऑफिस या आपके दायरे के कुछ लोग आपकी मदद भी करेंगे। बिजनेस के लिए दोस्तों से मदद मिलेगी। महत्वपूर्ण कामों में समय आपका व्यतीत होगा और संवेदनाओं को समझे और बहस में बिना पड़े आपको समस्या का समाधान निकालना चाहिए। और उपाय के रूप में एक पीला फूल यदि भगवान विष्णु जी के मंदिर में आप चढ़ाते हैं तो आपका दिन अति शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक रहेगी। कोई बड़ी जिम्मेदारी में आप उलझ सकते हैं। किस्मत के भरोसे कोई बड़ा फैसला यदि लेने की आप सोच रहे तो थोड़ा सावधानी की आवश्यकता होगी। आज आप जो भी फैसले ले या जो भी निर्णय करें ध्यान से करें, सोच समझ कर करें। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। आपकी सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। थोड़े बहुत मानसिक तनाव के कारण आप परेशान भी रहेंगे। किसी भी काम में अति न करें। ऐसा कुछ न करें जिससे दूसरों को कष्ट हो। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थकान, मौसमी परेशानी, पीठ दर्द या शरीर में थोड़ी सी कमजोरी आपको महसूस होगी। और उपाय के रूप में लाल रंग का कुमकुम का तिलक यदि आप लगाते हैं तो आपका दिन अति शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अतिरिक्त आमदनी के योग है। जीवन साथी से प्यार और सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके या जीवन साथी के कैरियर में अचानक कुछ बदलाव आ सकता है। परेशानियां कम हो जाएगी। लोगों का ध्यान आपकी ओर रहेगा। आपको फायदा होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। आज जीवन साथी और पार्टनर से आपकी खूब बनेगी। किसी भी बात पर आसानी से रजामंदी हो जाएगी। सुख मिलेगा। दिल की बात बोलने का दिन है। नौकरी में कामकाज ज्यादा रहेगा। हाथ पैर या फिर शरीर में कहीं पर दर्द भी आपको हो सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब व्यक्ति को या जरूरतमंद व्यक्ति को आलू या फिर टमाटर का दान करते हैं तो आपका दान दिन अति शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। बिजनेस और कार्यक्षेत्र में सावधानी रखने का दिन है। कामकाज में मन लगाने में दिक्कत हो सकती है। कंफ्यूजन थोड़ा बहुत रहेगा। प्रेमी का व्यवहार आज आपको ठीक नहीं लगेगा। किस्मत और दोस्ती का थोड़ा साथ आपको कम मिलेगा। आपके सुख में थोड़ी कमी रहेगी। किसी बात का अनजाना डर आपको परेशान कर सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई बहस हो सकती है। और उपाय के रूप में भोजन के बाद मिश्री और सौंफ खाना आपके लिए अति शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। नौकरी में पदोन्नति के अवसर है। रुके हुए काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। कार्यक्षेत्र से जुड़ी कुछ योजनाएं आज आपको सफलता देने वाली साबित होगी। और नए रिश्तों की शुरुआत होने का दिन है। नए अवसर मिलेंगे। दोस्तों और भाइयों से आपको मदद मिलेगी। मौज मस्ती और मनोरंजन के लिहाज से दिन अच्छा है। आप किसी तरह का कर्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं उसकी मंजूरी आपको मिल सकती है। संबंधों के बारे में कोई स्थायी फैसला करने के पहले गहराई से खुद पर विचार करें। पार्टनर का स्वभाव या मिजाज थोड़ा बदला हुआ रहेगा। और उपाय के रूप में यदि आप दूध पानी में शक्कर मिलाकर के पीते हैं तो आपका दिन अति शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आज आप सोच समझकर निवेश करें। जोखिम भरे फैसले लेने के लिए समय ठीक नहीं है। कैरियर में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ पुरानी बातें आपको परेशान या डिस्टर्ब कर सकती है। रोजमर्रा के काम में थोड़ा मन कम लगेगा। कोर्ट कचहरी या
अन्य मामलों से जुड़े कुछ कार्य आपको परेशान कर सकते हैं। नौकरी में अपनी स्थिति पर आपको विचार करना चाहिए। पारिवारिक संबंधों पर भी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता होगी। दूर स्थान के किसी व्यक्ति से कोई संदेश, समाचार या चर्चा आपकी होने वाली है और उपाय के रूप में तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। ऑफिस में कुछ खास काम आपके पूरे हो जाएंगे। दिन सामान्य रहेगा, रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। आज आप जरूरत से ज़्यादा घर परिवार के मामलों में सक्रिय रहेंगे। दिन अच्छा है, दोस्तों और भाइयों से भी मदद मिलेगी। कोई गलतफहमी यदि चल रही है तो वह भी समाप्त हो जाएगी। कुछ समस्याएं ऐसी है जो बहुत दिनों से चल रही है, उनका समाधान आप आसानी से निकालने में सफल हो जाएंगे। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से लाल फूल डाल करके जल चढ़ाएंगे तो आपका दिन अति शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से सम्मान मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। आज आपको बिजनेस में फायदा या नौकरी में प्रमोशन मिलने का योग है। किस्मत का साथ मिलेगा और ग्रह नक्षत्र तारे सितारे भी आपको सपोर्ट करेंगे। आज जो काम करने की सोचेंगे वह पूरा हो जाएगा। कुछ नया करने का विचार आपके मन में उत्पन्न हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें, कोई परेशानी आपको न हो ऐसा काम आपको करना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप चावल पक्षियों के निमित्त अपने छत के ऊपर डालेंगे या कोई भी दाने डालेंगे तो आपका दिन अति शुभ फलदायी सिद्ध होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।